प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जट कुणाल ब्लॉग्स को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुणाल। मैं आज आपको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ बोया M1 का। जी हाँ जी, आज हम आपको बताएंगे कि बोया M1 का अनबॉक्सिंग कैसा रहेगा, इसका प्रोडक्ट कैसा है, अमेज़ॉन में कितना प्राइस है और फ्लिपकार्ट में कितना प्राइस है और ये कितना यूज़फुल रहेगा, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बॉक्स ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूँ, पार्सल आपके सामने रख चुका हूँ। आप देख लीजिए इस टाइप में आपको लिखा जो भी है प्रिंट आउट आपको मिलेगा, ये बिल वगैरह। और बिल मिलने के बाद ये ऑलरेडी मैंने इसका पैक थोड़ा निकाल दिया था, तो फिर भी मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा इसके बारे में। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाएगा कि ये बिल आप देख लीजिए डिटेल में। इसका ये बिल आ जाएगा फर्स्ट तो अपना, और इसको हम करेंगे साइड में। और सेकेंड वन इसका ये बॉक्स निकाल लेंगे बोया वाला, और ये बॉक्स कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों। इधर दिया है फॉर स्मार्टफोन एंड कैम कॉर्डर्स DSLR ऑटो रिकॉर्डर PC ETC बोलकर बोया M1। और पीछे में दिया गया है आपको क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन DSLR और ऑडियो रिकॉर्डर PC ETC ओमनी डायरेक्टनल, ये सब दिया गया है। और आप इधर भी देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन इसमें दिखाया गया है, आप देख लीजिए सब। और ये साइड में ऐसा रहेगा। चलिए इसका शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक शेल मिलेगा, मतलब कि एक बैटरी मिलेगा जैसे कि इस टाइप का रहेगा। मैं ये निकाल के आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का है, देख लीजिए इस टाइप का। और भी इसमें मिलेगा आपको, ये एक मिलेगा आपको माइक होल्डर के जैसा माइक स्टैंड, जो आप कॉलर पे लगा सकते हैं या कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये स्टैंड आपको मतलब कि पकड़ना नहीं पड़ेगा हाथ से। और ये एक कनेक्टर मिल जाएगा, जैसे कि ये इसका USB केबल आप इधर, मतलब सॉरी, इसका हेडफोन आप इधर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये जाके आपके साउंड सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आप स्पीकर में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट वन एक एयर फिल्टर है दोस्त, ये एयर फिल्टर मतलब कि ये अगर ये नहीं रहा ना तो ये पूरा बेकार हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। ये एयर फिल्टर ही है जो मेन हमारा जो वॉइस क्लियर करता है। तो इसको अंदर डालते हुए हम स्टार्ट करेंगे। अंदर में एक पाउच दिख रहा है, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर कुछ गारंटी कार्ड वगैरह मिलेगा आपको, वारंटी कार्ड देख लीजिए आप। और कुछ मेनू मिल जाएगा बस आपको, जैसे कि ये सब दिखाया जाएगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको। और तो कुछ भी नहीं है इसमें अंदर, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है इसका माइक और यहाँ पे सेट होगा एयर फिल्टर, और ये स्टैंड पे सेट होगा उसका माइक स्टैंड।
माइक स्टैंड इस पे सेट होगा, और ये रहेगा इधर कंट्रोलर। देख लीजिए दोस्तों, इसमें आप कहाँ पे भी लगा सकते हैं, बेल्ट पे वगैरह। और इसका ये रहेगा बटन, और इसमें आप अगर DSLR में या कैमरा में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऊपर करना पड़ेगा, नहीं आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑफ बटन पे रखना पड़ेगा। और इसके अंदर एक बैटरी डलती है, जैसे कि मैंने बताया था ये वाला, इसके अंदर ये बैटरी डलती है जो यहाँ पे इसके अंदर, जैसा आप अगर कैमरे में ही यूज़ कर रहे हैं, कैमरा आप कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तभी आप बैटरी डालिए, नहीं तो इस स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली स्मार्टफोन का जो चार्जिंग है उसी से चल जाएगा दोस्तों। और ये रहेगा इसका USB केबल। और दूसरी बात बता दूं दोस्तों आपको मैं, ये जो वायर है ना, ये इसी का वैल्यू है ज़्यादा पर, ये वायर का लंबाई इतना है, लॉन्गेस्ट इतना है कि ये शायद 20 फीट तक आपको पड़ेगा, जो आप आराम से वीडियोस या ब्लॉग्स या कुछ भी आप किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, बहुत बेस्ट वन है इसका। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करते हुए आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल को आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और एक बात दोस्तों, मैं न्यू चैनल खोला हूँ, कुछ अगर गलती हुआ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।